झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने तीसरी बार समन भेजा है। दरअसल रांची में जमीन घोटाले मामले में अब उनसे 9 सितंबर को पूछताछ होगी। हालांकि ईडी की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर इस ओर इशारा किया है। आपको बता दें, इससे पहले मनीष सिसोदिया भी ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हुए हैं। आपको बता दें, जहां ईडी की मनीष सिसोदिया पर कार्यवाही में जी तोड़ खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं ऐसे में ईडी के इस तगड़े एक्शन को लेकर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। जहां विपक्ष गठबंधन बीजेपी को हराने के सपने देख रहा है, तो वहां ईडी उनके इन सपनों पर पानी फेरती जा रही है। जहां अभी लालू प्रसाद यादव को भी ईडी ने चारा घोटाले मामले में घेरा है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सोरेन को ये तीसरा समन है, जिसके माध्यम से हेमंत सोरेन को 9 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पहले उन्हें 14 अगस्त, दूसरी बार 24 अगस्त को बुलाया गया था। ईडी को उन्होंने पत्र के माध्यम से जानकारी दी थी कि वो ईडी के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद ही वो कोई कदम उठा पाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से अब तक कोई डेटा नहीं मिला है और ना ही ईडी को कोर्ट का कोई नोटिस गया है। ईडी ने भी उनकी याचिका के खिलाफ केवीएट फाइल कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस नहीं मिलने के चलते ही ईडी ने तीसरा समन भेजा है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को असंवैधानिक एवं दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए इसे वापस लेने को कहा था। उन्होंने कहा था कि उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है कि ईडी ने उन्हें समन भेजा है। उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि वो केंद्र की सत्ता पर काबिज दल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। अगर तीसरे समन पर भी मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं तो उन्हें चौथा पांचवां समन भी ईडी कर सकती है। ईडी को ये भी अधिकार है कि तीसरे समन पर अगर वो हाजिर नहीं होते हैं तो मुख्यमंत्री के खिलाफ वो कोर्ट में भी जा सकते हैं। ईडी कोर्ट को ये बता सकती है कि मुख्यमंत्री जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें जमानती वारंट और उपस्थित ना होने पर गैर जमानती वारंट भी निकलवा सकती है। इसके बाद भी अगर हाजिर नहीं होती है तब कुर्की जब्ती आदि की कार्रवाई तक का अधिकार है। वर्तमान में दाहू यादव के केस में भी ईडी ने यही प्रक्रिया को चुना था। अब ऐसे में जैसे जैसे ईडी इन नेताओं के ऊपर शिकंजा कसती जा रही है, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।